हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहर जज विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो पे हम जो देखने जा रहे हैं वो है मेल मर्ज एक्सेल टू वर्ड लेटर्स। आप किस तरह से मेल मर्ज कर सकते हैं वो भी एक्सेल का डाटाबेस यूज करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो आप एक्सेल शीट ओपन कर लीजिएगा। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद आप एक डाटा लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हैं। मुझे जो डाटा चाहिए उसमें से नेम चाहिए, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, ये चार फील्ड नेम मुझे चाहिए और उसके हिसाब से मुझे कुछ डाटा चाहिए जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स पुटअप कर दिए। आप चाहे तो आप अपना एग्जिस्टिंग जो डाटाबेस है उसका भी यूज कर सकते हैं इस मेल मर्ज ऑप्शन पे। ओके, इसके बाद में देखते हैं एक्सेल पे जब भी आप डाटा लिस्ट तैयार कर लेंगे उसके बाद में आपको सेव करना होगा। तो मैंने पे इस एक्सेल को जो सेव किए हैं उसका फाइल नेम है सीआरटी लिस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीआरटी लिस्ट करके मैंने इस एक्सेल को सेव किए हैं। सेव करने के बाद दोस्तों आपको जाना है एमएस वर्ड पे और एमएस वर्ड पे जाने के बाद आपको लिखना है एक लेटर, जो लेटर आप सेंड करना चाहते हैं। लेटर को लिखने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, मेलिंग्स पे क्लिक करना होगा। मेलिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है स्टार्ट मेल मर्ज और स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद आपको लेना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल मर्ज का कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि लेटर्स, आप लेटर सेंड करना चाहते हैं या ईमेल मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे लेटर्स ही रखे हैं और लेटर्स रखने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आप जो मेल मर्ज करना चाहते हैं वो क्या इस करेंट डॉक्यूमेंट से करना चाहते हैं या कुछ दूसरा टेम्पलेट आप यूज करेंगे या कुछ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको यूज करके आप मेल मर्ज करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यूज द करेंट डॉक्यूमेंट इसको रहने देता हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट, मतलब आपका पास डाटा लिस्ट क्या है। तो जब भी आप सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछेगा यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट, आपके पास क्या पुराना कुछ लिस्ट है या आप आउटलुक कॉन्टैक्ट से लाना चाहते हो या आप न्यू लिस्ट तैयार करना चाहते हो। तो फिलहाल तो मेरे पास एक्सेल पे डाटा लिस्ट बनाया हुआ है, इसके लिए यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट इसको रहने देते हैं और ब्राउज पे क्लिक कर देना है आपको। सिंपल ब्राउज पे क्लिक कर देना है। जब भी आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कहाँ है आपका फाइल। तो जैसे कि मैंने जो एक्सेल फाइल सेव किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे था, इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट्स पे जाना होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं सीआरटी लिस्ट जो एक्सेल का फाइल है वो यहाँ पे है। इसके बाद में उस फाइल को जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सेल फाइल ओपन होके। इसके बाद में आपको सिर्फ आपका जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से वापस वर्ड पे जाना है, जाने के बाद इसको ओपन कर दीजिए। दोस्तों जब भी आप ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद एक्सेल आपसे पूछेगा आपका कौन सा शीट पे डाटा लिस्ट जो है वो तैयार है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे मेरा जो डाटा लिस्ट है वो शीट वन पे है, इसलिए शीट वन को सिलेक्ट करके उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी आप शीट वन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल मर्ज रिसिपिएंट का एक ऑटोमेटिक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका जो डाटा और आपके उस डाटा का जो फील्ड नेम है सबको एक डाटा सोर्स दैट इज एक्सेल से यहाँ पे इम्पोर्ट कर चुका है मेल मर्ज। अभी अगर आप चाहते हैं जितना भी सारा यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, जैसे अमित शाहन या रंजू त्रिवेदी, ये दो रिकॉर्ड्स मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहां से टिक भी हटा सकते हैं। जिस रेसिपिएंट को आप लेटर भेजना नहीं चाहते हैं तो उस रेसिपिएंट्स को आप हाइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहां पे सबको रहने देता हूं क्योंकि ऐसे डाटा कम है यहां पे। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है। जब भी आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो लिस्ट आपने सिलेक्ट किए हैं डाटा लिस्ट वो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे वो टेबल वो एक्सेल का फाइल यहां पे ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है जैसे राइट योर लेटर्स नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो राइट योर लेटर्स, मेरा तो लेटर्स ऑलरेडी पहले ही बनाया हुआ है। इसके बाद में आप यहाँ पे प्लेस करोगे जितना भी सारा आपने फील्ड नेम बनाया है उस फील्ड नेम को आप कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हो। तो पहले फिलहाल आपको कर्सर प्लेस करना है, जैसे कहाँ पे आपको क्या चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए स्टाफ का नेम, तो आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड और यहाँ से लेना है नेम। नेम लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नेम यहाँ आ गया है। उसके बाद में एंटर प्लेस करके, या तो आप बगल में भी बैठा सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे एंटर प्रेस करके उसके बाद में एड्रेस को दे देता हूँ। फिर एंटर प्रेस करके आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि साइड में आपका कॉन्टेक्ट नंबर रहे तो आप टैब यूज करके इसका जो पोजीशन है उसको आप प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, जितना भी सारा फील्ड नेम है उसको अरेंज कर देना है आपके लेटर के अनुसार। उसके बाद में अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू
प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रीव्यू रिजल्ट, इस प्रीव्यू रिजल्ट पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डाटा जो है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। जितना भी सारा रिसिपिएंट्स यहाँ पे है, जितना भी सारा आपने डाटा लिस्ट यहाँ पे डाले हैं, सबको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका एक कंपोजिंग आपका खत्म हो गया हो तो आप फिनिश एंड मार्च पे क्लिक करना है। जब भी आप फिनिश एंड मार्च पे क्लिक करेंगे तो आपसे तीन ऑप्शन पूछेगा, जैसे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल मैसेज, मतलब कौन सा आपको चाहिए अभी फिलहाल। तो मुझे तो मेल मैसेज नहीं भेजना है अभी, तो मेल मैसेज को छोड़ देते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को बाद में देखेंगे। पहले एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करके आप ये जो मर्ज हुआ है डाटा के साथ उसको वेरीफाई कर लीजिए, और अगर कुछ भी खामियां रह गए हैं तो आप इस एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट से उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछेगा क्या चाहिए आपको, जैसे जितना भी सारा रिकॉर्ड्स है सबको देखना है, या करंट रिकॉर्ड्स को देखना है, या आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं जैसे 1-3 रिकॉर्ड्स या 1-2 रिकॉर्ड्स। तो मुझे फिलहाल ऑल पे रखना है। ऑल पे रखने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। जब भी आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया एमएस वर्ड का विंडो ओपन हो गया है, और इसमें आप देख सकते हैं वन बाय वन जितना भी आप जब भी स्क्रॉल करेंगे वन बाय वन जितना भी सारा रिकॉर्ड है उसके साथ में ये जो लेटर है वो मार्ज होके यहाँ पे आ चुका है। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल है एक्सेल से डाटा लिस्ट को यूज करना एमएस वर्ड पे। इसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कुछ डिजाइन वगैरह करना है आपके पेज में, और ये जो डाटा आपके यहाँ पे अपीयर हो रहा है उसमें कुछ डिजाइन वगैरह लगाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा भी फॉर्मेट मेरे पास यहाँ पे है। जैसे जब भी आप फील्ड को प्लेस करेंगे तो उस फील्ड को प्लेस करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक डिजाइन बना लेना है, और उस डिजाइन के अंदर पे आपको क्या करना है, उस फील्ड को प्लेस कर देना है। सो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।